आप सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। मैं धीरज, मैं आप लोगों के बीच आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में आज हम लोग जानने वाले, जी हाँ जी दोस्तों, बहुत सारे इंसान बोलते हैं हम बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत हमारे ऊपर दुख का पहाड़ गिरा हुआ है, महादेव हम पे दया नहीं करते। जी हाँ जी दोस्तों, तो आप लोगों के लिए ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और इस वीडियो में आज हम जानने वाले इंसान के भाग में दुख और सुख कैसे मिलता है। जी हाँ जी दोस्तों, आज हम जानने वाले इस वीडियो में इंसान के भाग में दुख और सुख कैसे मिलता, आखिर क्या कर्म करते हैं इंसान तो दुख मिलता, आखिर क्या कर्म करते हैं तो इंसान सुख मिलता। तो इसी वीडियो में आज हम आनंद श्री बरखा दीदी जी से जानने वाले हैं इंसान के भाग में दुख और सुख कैसे मिलता है। तो चलिए वीडियो को जाएंगे, उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मैं जिस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच चर्चा करता हूं उसमें आप लोगों के बीच साझेदारी हो। तो चलिए वीडियो को चलते हैं। एक गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया, सब शिष्य बैठे थे। शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरु जी, दुख क्या है और कौन ऐसा है जो दुखी नहीं है, और जिसके जीवन में दुख नहीं होगा इसका अर्थ है कि वो सुखी होगा, तो ये दुख का कारण क्या है? उसके गुरु ने कहा कि तुम ऐसा करो, किसी ऐसे व्यक्ति का जूता खोज के लाओ, पहन के ही आना, उससे पूछ लेना कि वो दुखी क्यों है। हर व्यक्ति से पूछ के तुम आओ, जितने भी लोग आज दिन भर में तुमको मिलेंगे, कि वो दुखी क्यों है। शिष्य को लगा ये तो बहुत आसान काम है, जैसे हम लोगों को लगता है ना कि साहब ने कहा कि तीन सूत्र करना है, तो हम सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान काम है, करना ही क्या है, बस मन ही मन दया मांगनी है, चर्चा करना है और नमस् वैसे प्रणाम करना है, यानी कि ये बहुत आसान काम है। लेकिन जब करने बैठते हैं तब पता चलता है कि ये तो हो ही नहीं रहा है। सुनने में जो लगा था, करते समय बच्चा जब होमवर्क करने बैठता है तब उसको लगता है कि ये तो हो ही नहीं रहा है। तो जब वो से निकला क्लास में, जिसके पास जाता था पूछता था आप दुखी हैं, तो सामने वाला कहता था हाँ भाई बड़ा दुखी हूँ, कारण क्या है आपके दुख का? तो वो कहता था, कोई कहा मेरा पड़ोसी बहुत बदमाश है इसलिए मैं दुखी हूँ, किसी ने कहा मेरा पति बहुत बदमाश है, किसी ने कहा मेरी पत्नी बहुत बदमाश है, किसी ने कहा मेरे बच्चों ने काफी कष्ट दे दिया है, किसी ने कहा मेरे माँ बाप ने ही इतना अनुशासन कड़ा कर दिया है कि हम लोग का जीना दुखद हो गया है। यानी पूरे दिन शाम में जब लौट के वो अपने गुरु के पास आया, गुरु ने कहा कि क्या क्या बातें हुई दिन भर में, उसने कहा सबके बारे में बताया विस्तार से कि किसने क्या कहा किसने क्या कहा। तो अंत में गुरु ने कहा कि तुमने एक बात गौर की, हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन जब उसके दुख का कारण तुम पूछोगे तो उसके दुख का कारण कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं खुद से दुखी हूँ, मैंने अपनी बुराई देखी तो मैं दुखी हूँ, मैं अपने गुस्से के कारण दुखी हूँ, मैं अपने अहंकार के कारण दुखी हूँ, या मैंने दूसरे के साथ व्यवहार गलत कर दिया है इसलिए दुखी हूँ। क्या आप में से भी किसी ने कभी सुना है ऐसा, किसी के मुंह से सुना हो कि उसने अपने बारे में कहा हो कि मैं खुद से दुखी हूँ, यानी जग दुखी है लेकिन दूसरे के सुख में दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं है वो। तो देखिए इस दुख का की क्या परिभाषा है, इस दुख का क्या पैमाना है। हम जिसको दुख समझते हैं, हम जिसको सुख समझते हैं। इस युग में एक व्यक्ति आए जिनको हम आप कहते हैं साहब हरिदारन जी, जिनके बारे में आपने अभी भजन में सुना और जिनकी अर्धांगिनी दीदी नीला मानन जी हुई, उन पे आज गीत है, उनकी तस्वीरें हमारे घरों में हैं, घरों में ही नहीं हमारे दिलों में हैं। तो इसके पीछे उनकी एक लंबी तपस्या चली। उन्होंने हर व्यक्ति से ये कहा कि आध्यात्म का अर्थ होता है अपनी यात्रा की खोज, यानी मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे आने का प्रयोजन क्या है इस दुनिया में। हर व्यक्ति के जन्म के पीछे उसकी अपनी यात्रा है। इस जन्म में जब वो
जन्म लेता है इस जीवन में, इस जीवन को गुजारने में उसकी अपनी यात्रा है, लेकिन हम सब के बीच एक हो क्या गया जिसको बाद में साहब ने लिखा भी है ऐसी सहानुभूति में कि अपनों की चिंता हमें सताती है और अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। यानी अपनी जो यात्रा है हम भूल गए। हम सबके लिए चिंतित हैं लेकिन हम खुद के लिए चिंतित नहीं हैं। हम सबसे दुखी हैं लेकिन खुद से दुखी नहीं हैं। हमारी अपनी यात्रा कैसे होगी? अब हम बात करते हैं कि तब किसको गुरु बनाने की जरूरत पड़ी और क्यों पड़ी। साहब हरिंद्रनाथ जी ने कहा, जो उन्होंने अनुभूत किया था अपने जीवन में, जो उन्होंने कहा भी कि मेरे आध्यात्मिक आह्लाद ने, यानी मेरे अंदर एक ऐसी खुशी पैदा हुई जिस खुशी को मैं दुनिया के हर व्यक्ति के साथ बांटना चाहता हूँ, हर व्यक्ति के साथ। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज तक हम लोगों ने जितने भी शरीरधारी गुरुओं से अपना जुड़ाव रखा है या गुरु नाम के गुरु पद पे जितने भी लोग आए हैं, लोग उनसे जुड़े हैं, उन्होंने मंत्र दिए हैं, उन्होंने विधियां बताई हैं, उन्होंने कर्मकांड बताए हैं, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि जो मैंने तुमको दिया है वो तुम दूसरे को बताना या बांटना, ये नहीं सिखाया कभी। इसका उल्टा जरूर हुआ कि मैंने जो मंत्र तुमको दिया है तुम दूसरे को जीवन भर नहीं बता सकते। ये कौन सी विधा थी जिसने हर व्यक्ति को एक जंजीर में जकड़ दिया? कहा जाता है और इसकी व्याख्या क्या करते भी हैं साहब कि जंजीर चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, जंजीर जंजीर ही होती है, बंधन बंधन ही होता है। बंधन चाहे अज्ञान का हो, बंधन चाहे ज्ञान का हो, कांटे दोनों हैं, चुभते दोनों हैं। ज्ञान भी चुभता है। किसी ज्ञानी आदमी को जिसको आप समझते हैं कि जो दुनिया समझती है कि ज्ञानी है, विद्वान है, जिसने बहुत शास्त्र पढ़ लिए हैं, जिसने बहुत किताबें पढ़ ली हैं, यानी उसके मन में आ गया कि उसने बहुत ज्ञान ले ली। कभी सोचा नहीं कि ये सारी चीजें जो उसने पढ़ी हैं वो किसी और का ज्ञान था, आपने पढ़ी है, आपका ज्ञान नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम ज्ञानी हैं। उस व्यक्ति से आप बात करके देखिए जरा, महागुरु महादेव की बात आप करेंगे, उस शिव की बात करेंगे जिससे डर को भी डर लगता है, काल भी जिसके अधीन है, उस शिव की बात करेंगे, लेकिन वो ऐसे जंजीर से जकड़ा है कि आपको जवाब देगा कि मैं जानता हूं, तुम मुझको क्या बताओ, ये सब जानता हूं, आप क्या बात करिएगा हमसे, आप अपना काम करिए। मतलब कि ज्ञान का कांटा इतने गहरे से चुभा हुआ है कि उसमें दूसरी चीजें नहीं जा रही हैं। अज्ञान है तब भी नहीं, पता होगा तब ना कि अज्ञान है, क्योंकि नहीं जानते हैं, लेकिन ये स्वीकार करना बहुत कठिन है। अभी एक भाई ने स्वीकार किया है, मुझे बहुत सच में बहुत खुशी भी हुई और मेरा मन भी भर गया। हिमाचल से आए हुए सुनील जी, उनके जीवन की सारी घटनाओं में से ज्यादातर तो मैं जानती हूँ। ये स्वीकार करना हमारे लिए बड़ा कठिन होता है कि हम कुरूप भी हैं, क्योंकि हम अपनी खूबसूरती को सबको दिखाते हैं। शिव चर्चाओं में हम चलते हैं तो हम ये तो जरूर दिखाते हैं सबको कि देखिए मेरे जैसा महादेव का काम करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेरे मन के अंदर जो पलता है कि दूसरा मेरे क्षेत्र में कैसे आ गया, अंदर ये चल रहा है, दूसरा हमसे पूछे बिना चर्चा रख दिया, दूसरा मेरे पूछे बिना चंदा भी कर दिया, दूसरा मुझको बताया नहीं, मुख्यालय चला गया, साहब से मिलने भी क्यों चला गया मुझको छोड़ के, यानी मेरा अपना नहीं है वो। कितने छोटे छोटे बातों से हमारा मन भरा है, लेकिन हम अपनी खूबसूरती जो ऊपर से है, जो अभी अंदर तक गई नहीं है, उसको सबको दिखाते हैं, अपने मन की कुरूपता नहीं दिखाते। डॉक्टर को अगर भाव नहीं दिखाएंगे अपने शरीर का, तो वो चिकित्सक, वो डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही कम से कम उस महादेव से तो मत छिपाइए, क्योंकि वो ईश्वर है, वो जगत का गुरु है और उससे हम कुछ छिपा नहीं सकते। एक मानवांतर के बाद मेरे मन में क्या होगा ये भी वो क्यों जानता है, फिर उससे हम क्यों छिपाते हैं? हमें ये स्वीकार करने में क्यों संकोच है कि हम गुरु भी हैं? कभी आपने सुना है कि धोबी साफ कपड़े को धोता है? कभी नहीं सुना होगा। धोबी को जितना गंदा कपड़ा दीजिए उसको साफ करके उसको ज्यादा खुशी होती है,
साफ कपड़े को साफ करके नहीं होते, गुरु सुपात्र को सुपात्र नहीं बनाते, कुपात्र से कुपात्र जो होगा उसको गुरु सुपात्र बनाते हैं, और तब गुरु साबित होता है कि वो गुरु है, क्योंकि उनके शिष्य को देख के लगता है कि इसका गुरु कौन है, क्या गुरु आज भी परिणामदायी है, क्या गुरु मार्ग से परिणाम है, तो ये बताता है उसको देख के जो उस गुरु का शिष्य है। तो हमने गुरु माना है महादेव को, हमारे मन में वचन में कर्म में क्या होना चाहिए, अगर हमारे मन में वचन में कर्म में तीनों में एक समानता भी है तब तो कहीं कुछ छूट रहा है। हमें रुक के सोचना चाहिए, सचेत होना चाहिए और फिर से अपने बारे में एक यात्रा शुरू करनी चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है। हम लगातार दिल्ली जहाँ हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, लगातार कितने वर्षों से यहाँ से हमारी चर्चा हो रही है, और जब भी कभी यहाँ से बात होती है कोई ऐसा नहीं है जो अपने गुरु का काम नहीं करता, सब अपने अपने जगह पे करते हैं, लेकिन मन में वो बात नहीं आ पाई है। तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए, रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए और एक बार विचार करना चाहिए कि हमने अपने गुरु को अपने शिव को जो गुरु बनाया है तो उसके बदले में एक शिष्य के रूप में दिया क्या है, क्योंकि अब एक शिष्य अपने गुरु को क्या देता है, उस शिव को कुछ चाहिए नहीं, वो शिव गुरु दक्षिणा में कुछ मांगता नहीं है तो हम कुछ दे नहीं सकते, तो उस शिव को हम दे क्या सकते हैं, अपने मन का भाव, अपने मन का प्रेम। तो ये तीन सूत्र जिसमें हम ये बात कहते हैं कि अपने मन का भाव देते हैं, क्योंकि ये भी कहा है हमने कि गुरु भाव सत्ता है, उनसे भाव स्तर पे ही संपर्क संभव है। तो हम में से अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि मैंने विचारों में तो गुरु मान ही लिया है, दिन रात तीन सूत्र कर ही रहे हैं, गुरु का जो दूसरा सूत्र है गुरु कार्य वो कर ही रहे हैं, तो आखिर छूट क्या रहा है। लेकिन आपने ध्यान से या तो शिष्य अनुभूति को पढ़ा नहीं या कभी सहभागिनंदन जी को गौर से सुना नहीं, क्योंकि हम में से जितने भी लोग जाते हैं उनसे मिलने, हम उनसे सुनना कम चाहते हैं, अपना बोलना ज्यादा चाहते हैं। वो अक्सर कहते भी हैं कि या तो आप ही लोग बोल लीजिए या मैं ही बोल लेता हूँ, कोई एक बोल ले दूसरा सुन ले तो ज्यादा ज्यादा अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि ये तीन सूत्र नहीं है, ये सहायक प्रक्रिया है, लेकिन ऐसी सहायक प्रक्रिया है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, यानी आपके गुरु शिव जिसके बारे में आप कहते हैं कि शिव ही हमारे गुरु हैं, शिव ही हमारा गंतव्य है, शिव ही हमारी गति है, लेकिन उस गति को पकड़ने के लिए जिस सहायक सूत्र की जरूरत है ये तीनों सूत्र, ये हम कितना कर रहे हैं, यानी मैं कितना कर रहा हूँ, मैं कितना कर